हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ कि आप जियो की जो लिमिट है 1 GB की लिमिट को कैसे रिमूव करके, हाउ टू रिमूव जियो 1 GB डेटा लिमिट, तो इसको आप कैसे रिमूव करेंगे। और ये 2 स्टेप में मैं बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप ये कि आप जियो की जो लिमिट है उसको कैसे रिमूव करेंगे, और सेकंड स्टेप ये कि आप जियो की जो लिमिट है उसको रिमूव करेंगे तो आपको ओल्ड एपीके डाउनलोड करना पड़ेगा। उसको आप डाउनलोड करेंगे तो आप उसको अपडेट मांगेगा, आपका डाउनलोड करते ओपन करते उस अपडेट को आप कैसे रोकेंगे ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एंडिंग में। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे फ़ोन में रिसेंटली अपडेट है ऐप है माई जियो ऐप, उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने से पहले आपका डेटा ऑन रखना है। तो अब मैं अपने माई जियो ऐप को ओपन करूंगा और उसमें मैं साइन इन हो जाऊंगा। तो मैं इसमें साइन इन हो चुका हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा ऑफर चल रहा है वो अभी जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, और जो हमारी लिमिट है वो 1 GB हाई स्पीड डेटा है, और उसके बाद जो हमारी स्पीड है 128 KB/s है। तो दोस्तों हमें 1 GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा, उसके बाद हमारी स्पीड है वो घटकर हो जाएगी 128 KB/s। तो इसको आपको कैसे करना है, कैसे करेक्ट करना है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, माई जियो ऐप को अनइंस्टॉल कर देना है। माई जियो ऐप अनइंस्टॉल करने के बाद हमें अपने मोबाइल का ब्राउजर खोलना है, कोई भी ब्राउजर, मैं यूसी ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ। और मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उस लिंक को आप कॉपी कर लो और उस लिंक पे जाओ, और माई जियो ऐप का पुराना वाला वर्जन डाउनलोड करना है, जिससे वर्जन से हमने सिम लेते वक्त जो कोड जनरेट किया था वही वर्जन फिर से हमें डाउनलोड करना है। इस वर्जन का मैंने लिंक दिया है, ये बहुत ही ईजी वे में डाउनलोड हो जाएगा। ये वर्जन 3.2.05 है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पे आपको जाना है और इस एपीके फाइल को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। और याद रहे, डाउनलोड करने से पहले वो आपने न्यू वाला फाइल को अनइंस्टॉल कर दिया हो, न्यू माई जियो को अनइंस्टॉल कर दिया हो। जब फाइल डाउनलोड हो जाए आपको इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर देना है, एंड उसके बाद फाइल को, एपीके फाइल को माई जियो के इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल फोन में। जब आपका माई जियो ऐप इंस्टॉल हो जाए तो उसे लॉन्च करना है, एंड याद रहे आपका नेट कनेक्शन ऑफ रहे उस वक्त जिस वक्त आप इसे लॉन्च कर रहे हो। आप लॉन्च हो गए, अब देखिए गेट जियो सिम का आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा होगा, तो हमें फिर से जैसे मैं हम करते थे सिम लेते ऑफर जनरेट जिस तरह किया था हमने, नेट कनेक्शन ऑन करना है। और जैसे ही नो इंटरनेट कनेक्शन ऊपर से ब्लैक बार हटेगा तभी हमें गेट जियो सिम पे क्लिक कर देना है। तो अब हम गेट जियो सिम पे क्लिक करेंगे, और मैंने कर दिया क्लिक, एंड मेरे सामने ये कूपन कोड जनरेटेड वाला ऑप्शन आ जाएगा, जो कि मैंने रिडीम कर लिया है। ये कूपन कोड आप देख सकते हो, ये कूपन कोड रिडीम हो चुका है, और उसके बाद जियो वेलकम ऑफर भी आ चुका है। देखिए इस जियो वेलकम ऑफर में मुझे जियो 4G सर्विस 31 दिसंबर 2016 तक दिख रही है, जो कि अनलिमिटेड मुझे 4G देगी विदाउट एनी लिमिट। वर्जन जो माई जियो एपीके है 3.2.05, उसको कैसे रोकें फोर्सली अपडेट से, आप सिंपली आराम से यूज कर सकते हो उस ऐप को बिना कोई अपडेट नोटिफिकेशन के। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही इजी, सिर्फ 2 स्टेप का प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है, मैंने बताया है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ओके, सबसे पहले मैं अपना नया वाला माई जियो 3.2.05 विदाउट क्रैक वर्जन जो है वो खोल के शो करता हूँ आपको, उसे ओपन करता हूँ। माई जियो जो मैंने अभी बिना क्रैक वाला है जो डाउनलोड किया है मैंने, एंड देखिए यहाँ पे फोर्स अपडेट स्क्रीन अपीयर हो चुका है, पॉप अप कर चुका है ये विंडो, फोर्स अपडेट माई जियो अपडेट। और ये अगर मैं अपडेट नहीं करूँगा, ये ना स्किप होता है ना कुछ होता है, इसको अपडेट करना मस्ट है। अपडेट कर दोगे आप तो गेट जियो सिम का ऑप्शन चला जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे आपके मोबाइल में, आपके ऐप में। तो चलिए इसको क्रैक करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे प्ले स्टोर को, एंड प्ले स्टोर ओपन होने के बाद सर्च बॉक्स में हमें लिखना है एपीके एडिटर। प्ले स्टोर में एपीके मैं एपीके एडिटर यहाँ पे लिखूंगा प्ले स्टोर में। एपीके एडिटर लिखने के बाद हमें सर्च करना है इस ऐप के बारे में, और जो सबसे फर्स्ट में ऐप आए एपीके एडिटर उसे सेलेक्ट करना है। स्टील वर्क्स इसके पब्लिशर हैं, और इसे इंस्टॉल कर लेना है एपीके एडिटर को। चलिए तक एपीके एडिटर इंस्टॉल हो रहा है। ओके, ये इंस्टॉल हो चुका है जियो रॉक्स।
या स्पीड होगी। डाउनलोड से ज़्यादा तो इंस्टॉलिंग में टाइम गया जियो, जियो तो डाउनलोड हो गया मेरा मोबाइल इंस्टॉलिंग में टाइम, चलिए इंस्टॉल भी हो गया। अब इस ऐप को ओपन कर लेंगे एंड ओपन करने के बाद एटीके एडिटर हमें सेलेक्ट करना है सेकंड वाला ऑप्शन जो कि है सिलेक्ट एटीके फ्रॉम ऐप। इस ऐप ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड सबसे नीचे में आप देख रहे होंगे कि सर्च बॉक्स है ऐप के सबसे नीचे में, जाकर प्लीज इनपुट अ कीवर्ड, वहाँ पे हम जियो डालेंगे या माई जियो डालेंगे। मैंने जियो डाला है और जियो के सारे एप्लीकेशन मेरे सामने आ गए। अब इसमें से हमें चुनना है माई जियो एप्लीकेशन को सबसे नीचे है। उसके बाद कॉमन एडिट पे सिलेक्ट करना है, तीन ऑप्शन आएंगे उसमें कॉमन एडिट पे सिलेक्ट करना है। कॉमन एडिट पे सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने नया विंडो खुल जाएगा, इसमें सबसे नीचे में वर्जन कोड लिखा होगा, याद रखे यहीं पे क्रैक है, वर्जन कोड में 3220 डालना है, वर्जन कोड में 3220 डालना है। मैं लाइक करके दिखा देता हूँ, इस वर्जन कोड को 3220 डालिएगा एंड उसके बाद वर्जन नेम, वर्जन नेम में हमें डालना है 3.2.20, ये हमारा वर्जन नेम है। प्रीवियस वर्जन नेम को डिलीट करके आप यहाँ पे डालिएगा 3.2.20 और उसके बाद नीचे में सेव दबा देना। सेव के बाद हमें थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है ये वेट करने में एंड जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हमारा स्क्रीन खुल गया। नाउ यू कैन इंस्टॉल इट फ्रॉम हियर, आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से भी, मगर उससे पहले आपको पुराना वाला जो एपीके बिना क्रैक एपीके है ओल्ड वर्जन 3.2.05 उसको अनइंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे जाके मैं पुराना वाला जो एपीके है जिसमें पॉपअप आ रहा था अपडेट का उसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। इसमें पॉपअप आ रहा था अपडेट करने के लिए माई जियो ऐप को और ये अनइंस्टॉल हो गया। अब जहाँ पे आपने सेव किया है वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो और एपीके एडिटर को अगर मिनिमाइज किया तो वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर लो। मैं स्टोरेज में जा रहा हूँ अपने मोबाइल के जहाँ पे एपीके एडिटर सेव हुआ, ये देखिए फोल्डर मिल गया मुझे एपीके एडिटर के नाम से, फोल्डर बन गया मेरे फोन मेमोरी में स्टोरेज में मेरे। तो यहाँ पे मैं इंटरनल स्टोरेज में एपीके एडिटर फाइल जो बनी है उसको क्लिक करूँगा और खोलूँगा उसे एंड यहाँ पे TMP फाइल है उसके अंदर एंड यहाँ देखिए gen.apk, ये हो गया माई जियो ऐप का एपीके क्रिएट हो चुका है। अब इस क्रैक्ड एपीके को हम अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे, इस क्रैक्ड एपीके को इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल पे हम क्लिक करते हैं एंड इंस्टॉल के बाद में जो वेट करना है इंस्टॉल करता है ये माई जियो एप्लीकेशन और ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम एप्लीकेशन को लॉन्च कर लेंगे यहाँ से और पुराना वाला एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर ही दिया, तब ये नया वाला यहाँ से लॉन्च कर लिया। अब माई जियो जैसे हम ओपन करते हैं वैसे सिंपली ओपन करेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरा इंटरनेट कनेक्शन ऑन है, ऊपर में देखिए इंटरनेट कनेक्शन जियो 4G वर्ल्ड ऑन किया हुआ है मैंने। अब मैं माई जियो को खोलूंगा, ये देखिए नो अपडेट फोर्स अपडेट नोटिफिकेशन, कोई ऐसा फोर्स अपडेट नोटिफिकेशन नहीं है, जियो वेलकम ऑफर का विंडो है, इसे मैं एक्स पे क्लिक करके काट सकता हूँ। उसके बाद देखिए मैं नॉर्मली एकदम यूज कर रहा हूँ, कोई अपडेट का मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा है और ध्यान दीजिए मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी ऑन है। मैं उसे नीचे करके भी आपको दिखा देता हूँ, मेरा मोबाइल डेटा ऑन है, ये देखिए मेरा मोबाइल डेटा ऑन है, मेरा नेट चल रहा है, मेरी नेट कनेक्शन ऑन है और मुझे कोई अब तक पॉपअप नहीं दिखा है कि फोर्स अपडेट का, गेट जियो सिम का भी ऑप्शन मुझे दिख रहा है। अब क्या आप मजे करो और